नमस्कार मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आज फिर से मैं मतलब इधर बीच में ती, तीन दिन से कंटिन्यूस आपके साथ जुड़ रही हूँ क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी के पेपर्स को है ना तभी तो आपको पता चलेगा ना अच्छा कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे मुझे अभी आइडिया नहीं कि कट ऑफ कितने जा रहे हैं इस एग्जाम में अभी जस्ट हम लोग पेपर सॉल्व का काम कर रहे हैं अब पेपर सॉल्व करिए और मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि उनका सेकंड पेपर में 150 में से कितने सही हुए हैं किसी ने नहीं बताया हाँ मैडम ये वाले का आंसर ये हो सकता है ये वाले का आंसर ये हो सकता है ठीक है उसके लिए थैंक यू बट ये भी तो बताइए ना कि आपका कितना गया मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि 150 में से कितना आपका गया अब मैं आज जो सॉल्व कराए कराऊँगी वो फर्स्ट पेपर कराऊंगी मैंने देखा कि फर्स्ट पेपर इजी आया था ठीक है जो हम लोग सोशोलॉजी में ज़्यादा पढ़ते पढ़ाते हैं वो फर्स्ट पेपर में चीजें आई थी सेकेंड पेपर इज क्वाइट डिफिकल्ट मैं भी कहूँगी कि सेकेंड पेपर डिफिकल्ट था जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था जो पढ़ा उसके लिए भी डिफिकल्ट था फर्स्ट पेपर इज इजी इजी है फर्स्ट पेपर तो चलिए से सॉल्व करते हैं और अगेन मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी भी ऑलमोस्ट फिफ़्टी नाइन और फिफ़्टी फाइव परसेंट लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार क्या कमी है भाई और कितना जान दे दूँ <laughs> है ना तो प्लीज़ कोशिश करिए कि सब्सक्राइब करिए मैं बहुत सारे और प्लानिंग्स में लगी हूँ कि मैं और आपको किस तरह से बेटर कंटेंट दूँ आर एग्जाम में ने मेरा हौसला बढ़ाया है क्योंकि मेरे वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आए और आप लोगों के कमेंट से मेरा हौसला बहुत बड़ा है आगे और काम करने का मन है चलिए आप लोगों को इंतज़ार होगा स्टार्ट करते हैं सल्यू देखते हैं और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि कितना सही हुआ है ओके आज मैं अगेन मैं कह रही हूं आज मैं 90 क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और कल अगेन मैं बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ओके तो ये भी दो वॉल्यूम में बनेगा पहला क्वेश्चन है हु सेट कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्रो फैक्ट्स आर्टिफैक्ट्स सोशियो फैक्ट्स एंड मैनिफेस्ट फैक्ट्स ये है डेविड बिडने का ये यूएस एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर रहे हैं क्वेश्चन फोर एक चीज और बोलना चाहूंगी कि चार पांच के आंसर मुझे भी नहीं मिले नहीं मिले भाई क्या करूं बहुत कोशिश किया आपको मिले होंगे तो जरूर बताइएगा ओके सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एकोमोडेशन तो झगड़ा फॉट ये जो है एकोमोडेशन का फॉर्म नहीं है ओके थर्ड हु टॉक्स अबाउट द सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स टू ऑफ कॉम्टे इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन फोर्थ विथ एन है एनालॉजी स्पेंसर ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी को पूरा समझना है तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है द थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म अगेन स्पेंसर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं Who has स्टेटेड मैकेनिकल सॉलिडेरिटी इज द solidarity ऑफ resemblance solidarity की बात दुर्खीम करते हैं फोर्थ आंसर पैरेटो डिवाइड्स इलीट क्लास इनटू अ गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलिट क्लास पैरेटो की भी सर्कुलेशन ऑफ इलीट थ्योरी को मैंने वीडियो में दिया हुआ है आप उसको समझ सकते हैं उसमें साफ मेंशन है कि पैरेटो ने इलीट क्लास को दो में डिवाइड किया है गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलीट क्लास ओके

लास्ट वन ऑफ द इंडिया ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान जो कि टू थाउजेंड ट्वेल्थ से टू थाउजेंड सेवनटीन के बीच में रन किया है और इसका जो थीम है वो फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोडोर लेविट पॉपुलराइज विच टर्म टू ग्लोबलाइजेशन ओके आंसर वन थर्टीन हु रोट द बुक द माइंड एंड सोसाइटी अगेन पेरेटो पेरेटो पे बहुत क्वेश्चन आए हैं पैरेटो का जो ये इटालियन सोशोलॉजिस्ट थे और इनका पूरा नाम है विल्फ्रेडो फेडरिको डेमोसा पैरेटो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्टीन है क्लासीफिक क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी इन किनशिप इज गिवन बाय मॉर्गन मॉर्गन ने स्टडी किया है इराक्योस स्ट्राइप का ओके क्वेश्चन फिफ्टीन टाइप्स ऑफ अथॉरिटी इन अ रिलीजियस सेक्ट तो ट्रेडिशनल जो धार्मिक पंथ में सत्ता किस प्रकार की होती है परंपरागत ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विच फैक्टर वैल्यू सरप्लस वैल्यू मार्क्स की थ्योरी है और थीसिस एंटी सिंथेसिस ये जो डायलेक्टिक uh, हीगल uh, की थ्योरी डायलेक्टिक एनालिसिस से रिलेटेड है ओके आंसर इज थ्री सेवनटीन डेलीवन बाई से विच थ्योरी ऑफ सोशल चेंज सजेस्टेस अकर्स एंड रिवोल्यूशन आंसर टू डायलैक्टिक थ्योरी नाइनटीन बाई होम डिट पैरेटो एडोप्ट कंसेप्ट ऑफ रूलिंग नॉन रूलिंग एलिट तो ये मैकावली से लिया हुआ इसको भी मैंने वीडियो में एक क्लियरली मैंशन किया है वो जो लाइन और फॉक्स वाला कंसेप्ट है उसी से क्वेश्चन ट्वेंटी इज अ फॉर्म ऑफ कॉलोनिस्ट नॉलेज हु सेड ये कहा है ज्ञानेंद्र पांडे ने ज्ञानेंद्र पांडे में के लिए मैं बताना चाहूँगी कि ज्ञानेंद्र पांडे इज अ हिस्टोरिकल एंड फाउंडिंग मैंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द सबॉल्टर्न स्टडीज प्रोजेक्ट इनकी जो बुक है जो फेमस बुक है रिमेंबरिंग पार्टीशियन और दूसरी बुक है हिस्ट्री ऑफ प्रिजुडिस रेस कास्ट एंड डिफ्रेंसेस इन इंडिया एंड द यू टू थर्टीन uh, में ये बुक आई है तो ज्ञानेंद्र पांडे के बारे में ये भी जानिए अगले बार में हो सकता है इनके बारे में कुछ और ही पूछ दिया जाए ये स्टेटमेंट के अलावा नेक्स्ट है हु टॉक्ड ऑफ रोल एग्जिट रोल एग्जिट के बारे में किसने बात की तो फोका एबनो ठीक है इनकी बुक है बिकमिंग एन एक्स ट्वेंटी टू मतलब ट्वेंटी वन का आंसर फोर है ट्वेंटी टू द सिस्टम विच अंडर विच मदर्स ब्रदर्स ऑक्यूपाई प्रोमिनेंट प्लेस इन किनशिप यूस नोन एज टू इवेंक्यूलेट मातुले जिसको कहते हैं फोर्थ आंसर ट्वेंटी थ्री द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर वॉज यूज बाई विच सोशोलॉजिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दो आंसर इज वन हर्बर्ट इस्पेंसर ट्वेंटी फोर थारवाड इज अ मेट्रिलीनियर ज्वाइंट फैमिली फाउंड इन द स्टेट ऑफ केरला सेकेंड twenty fifth समन्वय डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स इनटू विच टू पार्ट तो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप आंसर टू ओके twenty six का मुझे नहीं मिला है आ, क्योंकि इसमें स्ट्रेटिफिकेशन का डिफिनेशन है आ, कुछ मुझे लगता है कि हैरल्मबोस है मैं नहीं क्लियरली कह सकती कि कौन है ये मुझे नहीं मिला मतलब चार पांच क्वेश्चन मुझे नहीं मिले मैंने और लोगों से भी कोशिश की मेरी जो स्टूडेंट्स मेरा हेल्प कर रही है वो भी उसने भी सर्च किया नहीं मिला ओके 27 सेवन द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब वॉज क्रिएटेड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 89. आंसर थ्री में आया है ये ट्वेंटी एट द ऑथर ऑफ द बुक रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया डी एन मजुमदार आंसर टू ट्वेंटी नाइन ए रॉस लेट द फाउंडेशन ऑफ द स्टडी ऑफ सोशल कंट्रोल ए रॉस जो एल डी रॉस हैं इन्होंने सोशल कंट्रोल का कंसेप्ट दिया बुक अपने सोशल कंट्रोल बुक का भी नाम है नाइनटीन हंड्रेड वन में नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी हु रोट द बुक प्लान इकोनमी फॉर इंडिया के विशेष्वरिया ने 1934 में यह बुक लिखी है ओके okay? आगे बढ़ते हैं ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन कम्युनलिज्म आंसर कम्युनलिज्मॉर टॉलरेंस हु हैज क्लासिफाइड सोशल मोबिलिटी इन द टू वेज वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल पी एस और पी एस और सोशल मोबैलिटी का कंसेप्ट दिया और वर्टिकल और हॉरिजोंटल मोबैलिटी की बात करते हैं थर्टी थ्री कंसेप्ट ऑफ रोल प्लेइंग इन सोशोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई है मीट का ओके कंसेप्ट थर्टी फोर विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट द एनलाइटमेंट तो सी है थर्ड गॉड वॉज बिलो बिलीव टू बी द सोर्स ऑफ सोसाइटी थर्टी फाइव Who among the following has defined that socialization is the process by which the individual learns to conform to the norms of the group? Answer Ogburn. C. Th third. Third. 35 ka 3. Okay. 36. Question number 36. Who said this social interaction is a process whereby man interpretate the minds of each other? Answer 2. डॉसन एंड गेटि थर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशल क्लास एस्क्राइब स्टेटस ओके फर्स्ट थर्टी एट विच अमंग नॉट द दशियल फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी और कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन जो है इसेंशियल फीचर्स नहीं है थर्टी नाइन इन टू थाउजेंड नाइन सुरेश तेंडुलकर कमिटी डिफाइंड पॉवर्टी लाइन थ्री ओके फोर्टी हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर एडोप्टेड बाई एन मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू सेवन सेकेंड आंसर सेवनटीन गोल्स वन सिक्सटी नाइन टारगेट्स ये आया है टू थाउजेंड फिफ्टीन से टू थाउजेंड थर्टी के लिए ओके नेक्स्ट टाइम हु कंसेप्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ डिस्टिंगशन ऑफ रैंक विद द रिफरेंस ऑफ सोशल स्टेटिफिकेशन ये भी आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है मैक्स वेबर का ट्रिटेरियन मॉडल है आप जानते ही हैं अब इसका आंसर क्या है मुझे भी नहीं पता मे बी मैक्स वेबर या मैं नहीं क्लियर नहीं हूं मैं फोर्टी टू डिफाइन सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन दाइम ओके फर्स्ट आंसर फोर्टी थ्री द ओरिजिनेटर ऑफ द डाई भाग इज जीमूथ वाहन प्रॉपर्टी राइट्स रूल के बारे में बात होती है यहाँ पर फोर्टी फोर विच सोशोलॉजि हैज डिवाइड कल्चर इन टू मेटेरियल एंड नॉन मेटेरियल कल्चर ऑगबर्न ऑगबर्न की कल्चरल एक्ट की थ्योरी भी आपको पता है फोर्टी फाइव स्टेटस इज द इंस्टीट्यूशनलाइज रोल ये रॉबर्ट बेरस्टीट का स्टेटमेंट है आगे फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी ग्रुप एसोसिएशन इसमें एसोसिएशन जो है वो सेकेंडरी ग्रुप है बाकी सारी प्राइमरी ग्रुप्स हैं 47 culture is the handwork of man and the medium through which he achieves his end who said this this is answer Melanovski. answer number four okay 48 the category of communal norms and um, associational norms was given by again best answer number three 49 Max weber did a com comparative study of स्टडी की यह मैंने दिया है यहां पर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी हाउ मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन वर एक्सप्लेन बाई मर्टन टू आंसर इज फोर फिफ्टी का आंसर फोर ओके नेक्स्ट फिफ्टी वन हु अमंग द फॉलोइंग सोशलॉजिस्ट कंसिडर प्योरिटी एंड एम्प्योरिटी एज द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सिस्टम ल्यूज डूमोट होमोहेरार्किकस ल्यूज डिमोट पर भी मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं उसमें साफ़ है प्योरिटी एम्प्योरिटी का कंसेप्ट तो uh, आप आंसर वन है वन ल्यूज ड्यूमांट फिफ्टी टू द बुक फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ़ सोशोलॉजी देखिए ये भी नहीं मिल रहा है मैंने इसमें जो चार ऑप्शनस है पीटर टाउनस्टेंट सोरोकिन जॉर्ज सिमेल और वेनर इन तीनों का वाइनर इन इन चारों के मैंने बुक्स देखे लिस्ट ऑफ बुक्स देखे किसी भी लिस्ट में द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ़ सोशोलॉजी मैंशन नहीं है सिमेल का भी हो सकता है सिमेल का भी हो सकता है ये मुझे क्लियर नहीं है फिफ्टी थ्री द सोशियोलॉजिस्ट हुई की बात की है जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है फिफ्टी फाइव हु यूज द टर्म जो टर्म है माध्यमिक संबोधन टेक्नोनॉमी इन एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर ऑफ द फर्स्ट टाइम आंसर इज टाइलर टैलर ने मात्र सत्तात्मक परिवारों के uh, के संबंध संबंध में इस कंसेप्ट को दिया था ओके नेक्स्ट फिफ्टी सिक्स पिक द रोंग स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है थर्ड वाला स्ट्रेटिफिकेशन इज इनकॉन्सिक्वेंशियल ओके फिफ्टी सेवन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द कैटेगरी ऑफ मुस्लिम प्रपोन्डेड बाई गोस अंसारी तो अजलस ओके आंसर नंबर थ्री फिफ्टी एट हुईड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इन एटीन एटी टू लॉर्ड रिपेन आंसर फोर फिफ्टी नाइन हू मेड अ डिस्टिंगशन बिटवीन दैमिन शाफ्ट एंड गैशल साफ्ट आपको पता है टाइन बी आंसर थ्री मतलब जब हम सोशलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं ना बेसिक तो यही क्वेश्चन पढ़ते हैं है ना सिक्सटी हुम डिट मर्टन डिक्लेयर हिस टीचर इन एबसेंसिया ये भी आंसर नहीं मिल रहा था क्योंकि मर्टन uh, के पहले पार्सन्स रहे हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल्स थ्योरी को लेकर के तो मे बी पार्सन्स भी हो सकते हैं डरकाइम भी हो सकते हैं मतलब डरकाइम रेडक्लिफ ब्राउन सभी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं पर मर्टन के पहले पार्सन्स आए हैं मर्टन ने पार्सन्स को अपना गुरु भी माना है तो मे बी पार्सन्स हो सकते हैं बट आई डोंट नो इज देयर इज क्वेश्चन मार्क इन दिस क्वेश्चन ओके मिलेगा तो जरूर बताइएगा आप लोग बहुत ब्रिलियंट लोग हैं भाई है ना होना भी चाहिए सिक्सटी वन पैरेटो अपोज ऑफ द बेसिक थ्योरी ऑफ एनलाइटमेंट रेमंड एरन फर्स्ट ठीक है फिर है सिसिबिज्म सिसिबिज्म इज एन किस टाइप का है ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ऑफ मैरिड वुमेन को सिसिबिज्म कहते हैं अच्छा टर्म है ना याद कर लीजिएगा सिक्सटी थ्री हु गेव द कंसेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल साइकोस John Dewey. Answer number three. Who has written the book Sociological Theory of Today? Sorokin. Answer number one. How many dyadic relations will be formed by seven persons in a group? Answer 14. Okay. Third answer. Next. 66. Who is the author of the book Delinquent Boys The Culture of Gant? Albert Cohen. सिक्सटी सेवन द बुक ट्वाइस बॉन्ड बाई मॉरिस कैस्टेस प्रो पॉट्रेस कास्ट एट्रीब्यूट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ये भी आंसर नहीं मिल रहा है ओके okay, चार पाँच मैंने पहले ही कहा कि नहीं मिल रहा है नेक्स्ट सिक्सटी एट द टर्म एनमी स्टैंड फॉर नॉर्मस नॉर्मलेसनेस मतलब मैं ऐसी हूँ ना मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि ये है ये है ये है और बाद में गलत हो जाए हाँ जो गलती हो रही है वो वो मेरी गलती है मैंने जान के गलत नहीं कहा है मुझे नहीं आता मैं क्लियर कह रही हूं मुझे नहीं मिल रहा है ओके कभी कभी क्वेश्चन बनाने वाले बड़े सोचते हैं कि भाई मैं कहाँ से ला दूँ कि लोग सब पक आ जाए है ना फंसाने में बड़ा मजा आता है ऐसी सोच हो सकती है सिक्सटी नाइन हु हैज गिवेन द कंसेप्ट ऑफ डिसन आंसर डी एन मजुमदार ओके कंसेप्ट अब कंसेप्ट है वैक्सले वर्गस की अधारणा मतलब प्रनाउंस भी नहीं हो पा रहा है यह है जॉर्ज सिमिल की पर ठीक है क्वेश्चन पेपर ऐसी स्टैंडर्ड बनना चाहिए ताकि हम अपने सोशोलॉजी को जो बहुत इजी समझते हैं ना सोशोलॉजी मतलब आ रहे क्या है सोशोलॉजी कुछ नहीं है काम करते हो जाएगा सर सारी गृहस्थी बसाते हुए सोशोलॉजी पढ़ लेंगे उस कंसेप्ट से अब बाहर निकलना है ना सोशोलॉजी मतलब बहुत कुछ आप लोगों ने पेपर दे के देख लिया होगा कि अरे बाप रे ये भी सोशोलॉजी है तो बहुत मन से पढ़िए और पेपर बनाने वाले को थैंक यू उन्होंने स्टैंडर्ड को एक रखा स्टैंडर्ड को नीचे नहीं गिराया जरूरी है 71 वन हुट दैट क्राइम इज एन एंटी सोशल एक्ट पॉल टप्पन ओके सेवेंटी टू द कंसेप्ट ऑफ फोक सोसाइटी बाय द रेड क्लिफ सॉरी रेडफील्ड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडफील्ड ही तो फोक सोसाइटी का पे काम किए हैं तो इसमें से कौन सा फोक सोसाइटी का एग्जाम्पल नहीं है तो आंसर इज टू सेक्युलर सोसाइटी ओके सेवेंटी थ्री हू प्रम्पाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ स्टेम फैमिली थर्ड आंसर लीपले सेवेंटी फोर इरावती करवे हैज डिवाइडेड इंडिया इन टू हाउ मैनी किनशिप जोन आंसर इज टू देखिए मैं गलत टिक लग, टिक लगाने में कहीं इधर उधर चला जाता है आंसर टू मतलब फोर जोन में उन्होंने बांटा है 75 अंत्योदय प्रोग्राम स्टार्ट इन राजस्थान ऑन सेकेंड अक्टूबर 1977 ये राजस्थान स्पेसिफिक पूछ लिया जरूरी है ये भी पूछना क्योंकि आपको वहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के जाना है तो भाई नॉलेज तो इस स्टेट की होनी चाहिए ना डिफिकल्ट टू ड्रॉ बाउंड्री लाइन बिटवीन द कास्ट एंड ट्राइब आंसर थ्री घूरिए बाप बापरे ये टर्म तो मुझे मिल ही नहीं रहा था अगेन जीथम टर्म इज यूज फॉर जीथेम किस लिए वर्ड है मैंने सारे ट्राइबल डांस उठा के देख लिए बॉन्डेड लेबर्स के लिए देख लिए रिलीजियस सेक्ट्स के लिए देख लिए मुझे जीथम वर्ड नहीं दिखा तो मे भी ग्रुप ऑफ फैमिलीज को जीथम कह सकते हैं अगेन इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क ओके okay? 78 kula system of exchange according to Poeni is an example of gift exchange the idea of the idea of discrete caste has given by dipankar gupta a renowned sociologist ke 80 when did the 20 point program begins 1975 my second second answer hai. Uh, launched in 1975 प्रोग्राम एटी थ्री एंड अगेन भी हुआ है ये नई क्वेश्चन मिला इसलिए मैं लेफ्ट कर रही हूँ एटी टू हू स्टेटेड किंगडम ऑफ हेवन इज ग्लोरिफाइड सोसाइटी आंसर थ्री डर 83. एटी थ्री हू यूज द टर्म मार्क इन हिज एनालिसिस ऑफ इंडियन कल्चर डी एन मजुमदार मार्क का मतलब है मैन एरिया रिसोर्स एंड कॉपरेशन एम फॉर मैन ए फॉर एरिया आर फॉर रिसोर्स एंड सी फॉर कॉपरेशन मार्क एटी फोर द कंसेप्ट रूर कॉस्मोपोलिटिज्म कैरिंग आउट द कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ विच टू विजेस तो आंसर इज रानी खेरा एंड टेप रानी खेरा एंड टेपजलान आंसर टू ठीक है इसका स्टडी किया है ऑस्कर लेविस्ट ने ऑस्कर लैवस ने एक कॉन्सेप्ट दिया है पावर्टी का उन्होंने काम किया ना पावर्टी पे कल्चर ऑफ पावर्टी इस पर द नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ़ इंडिया प्रोजेक्ट फोर सिक्स थ्री फाइव आंसर इज टू मैंने पीपल ऑफ़ इंडिया के एस सिंह का है ना कु, कु, कुमार सुरेश सिंह वो इस के मेन लीडर थे इस प्रोजेक्ट के तो उस पर मैंने कुमार सुरेश सिंह पे एक वीडियो बनाया है उसमें ये चीज़ दी है मैंने तो आप पढ़े होंगे तो 86, said, ये आंसर जरूर सही कर दिए होंगे एटी सिक्स हु से हर को विड्स कांसेप्ट ऑफ एन कल्चरेशन का दिया है एटी सेवन हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ कल्चर कोर जूलियन स्टीवर्ड वन नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स बिकेम ऑपरेशनल इन विच ईयर 2007 थाउजेंड मार्च 2007 आंसर इज फोर देखिए फोर टिक लगा रही हूँ 89 द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी एंड एक्सटेंशन वाज ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी ऑफ विच विलेज सेनापुर इसका मॉरिस ओपलर ने ये स्टडी किया यूनिटी एंड एक्सटेंशन याद रखिएगा यूनिटी एंड एक्सटेंशन का जो स्टडी है वो मॉरिस ओपलर ने सेनापुर विलेज में किया एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो इज द टर्म फैमिली हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम इसमें नन ऑफ द नन ऑफ दीज लगेगा क्योंकि असली जो फैमिली का वर्ड लिया गया है वो लैटिन वर्ड फैम्युलस से लिया है इसमें ग्रीक वर्ड फैमुलेरिएट है लैटिन वर्ड फैमिलइन है रोमन वर्ड फैम्युलस है पर ये लैटिन वर्ड फैम्युलस से लिया गया है तो आंसर फोर होना चाहिए नन ऑफ द एब ठीक है आज का मैंने 90 क्वेश्चन सॉल्व करवाए कल मैं जब वीडियो दूंगी तो मैं आगे के रेस्ट क्वेश्चन 91 से 150 के जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हैं मैं उसको सॉल्व करा दूंगी तो आर के मैंने दोनों पेपर को फिर मेरा एक हो जाएगा जो डाउट्स है भाई जिंदगी में कोई परफेक्ट नहीं है मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ मुझे भी कुछ नहीं आते होंगे चीज़ें बहुत कुछ नहीं आती बहुत बहुत कुछ नहीं आती बहुत, बहुत कुछ पढ़ना है आप लोगों की वजह से मैं बहुत कुछ पढ़ रही हूँ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद Uh, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर को थैंक यू जो मुझे इतना एक्टिवेट किए रहते हैं एक्टिव किए रहते हैं ओके तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं समाप्त करने के बाद पर कल फिर से मिलेंगे तो एक पॉज है ना कोई चीज़ अंत नहीं होगी प्रोसेस में रहेगी प्रोसेस में तो ये पॉज है फिर हम लोग मिलेंगे कुछ नए नॉलेज के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ जरूर सॉल्व करेंगे और आगे कुछ सोच रही हूँ कुछ अच्छा सोच रही हूँ देखिए क्या करती हूँ ऑल द बेस्ट अपने आउट ऑफ कितना गया ज़रूर मेंशन करिएगा ज़रूर ज़रूर मेंशन करिएगा कि सेकंड पेपर में आपने 150 में से कितना आपका सही जा रहा है और फर्स्ट पेपर में इधर 90 में से कितना सही जा रहा है फिर कल रेस्ट जब अब हो जाएगा तो टोटल बताइएगा मुझे ओके बाय बाय टेक केयर एंजॉय योर डे खूब मस्त रहिए खाइए पीजिए मज़ा लीजिए और पढ़ते रहिए